सत श्री अकाल जी, स्वागत है रोजाना टाइम च। इस वेले दी वड्डी खबर, शिवसेना दे आगू सुधीर सूरी दे भरा ब्रिज सूरी दे नाल जुड़ी सामने आ रही दस दी है कि उसके उत्ते कुछ दो नौजवानों के वलों हमला करने की कोशिश की गई है, तो जिसनों लैके सूरी दे वलों उन्होंने उत्ते गोलियां चलाई गई ने, तो परंतु वह मौके पर फरार हो गए, तो जिसनों लैके ब्रिज सूरी का वड्डा बयान आया, तो जिसनों लैके उन्होंने कहना है कि कई दिनों तो उन्होंने विदेश तो फोन आ रहे हैं, तो उन्होंने जानों मारन दी धमकियां दी जा रही ने, तो कहा जा रहा है कि जिहड़ा उन्होंने घर है उसनों भी बंब के नाल उड़ा दिता जाएगा, तो जिस तों बाद अज जिहड़े उन्होंने घर के बाहर जिहड़े दो नौजवान अणपछाते बाहर दिखाई दे, तो जिन्हों के कोल हथियार भी सी, तो जिसनों लैके उन्होंने हाथों के हथियार भी सी, तो उत्थे ही ब्रिज सूरी के वलों उन्होंने उत्ते गोलियां चलाई गई, पर वह मौके पर फरार हो गए। सवेरे आतंकवादियों के फोन आ रहे थे, काफ़ी नंबरों तो आए हैं, जेडे कि जैसा पाकिस्तान के नंबर तो, ईवन दैन इंडिया के नंबर तो भी, लोकल नंबर तो भी आए, काफ़ी टाइम तो असं प्रशासन को कह रहे थे। कल तो हद दो दो हो गई जो ललकार के सामने रेलवे लाइन आ गए, तो दो बंदे हथियार समेत, और पुलिस अगे नहीं वधी, मैनू ही अगे वधना पिया, तो जाके मैं गोली भी चलानी पई, एक फायर उन्होंने कढ़िया, दो फायर मैं कढ़े। कल एक्चुअली सवेर के फोन आ रहे थे, तो मैं जो शाम को फोन आया एक विदेश के नंबर तो, काफ़ी गाली गलोच उन्हें किया, तो मैं उन्होंने लास्ट मूवमेंट पर कहा कि तेरी औकात की है, मगर तुम सिर्फ फोन करना ही जानते हो, तो फोन ना कराया करो, डिस्टर्ब ना कराया करो। कहिंदा तेरे जीजे का फोन होने आएगा। थोड़ी देर बाद मैं इंडिया के नंबर तो फोन आया, तो कहिंदे आप आ चुके हैं, तो हूँ तेन आप नज़ारा विखाना है। मैं थोड़ा जा समझ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरी जो अखबार से सत्ता शीना आतंकवादी का मैं फोन आया सी, उदो भी मैं समझ गया सीगा कि फोन असली है। कॉल्स बहुत आंदियां ने, लेकिन मैं राती थोड़ा आइडिया हो गया। मैं इमीजिएटली अपना अर्पित शुक्ला जी ने भी मैसेज किए, खोसा साहब न फोन किए, उन्होंने नहीं चके, चौंकी इंचार्ज न फोन किया, उन्होंने नहीं चकया। हार के मैं 112 नंबर पर कंप्लेंट जो पाई, तो ए डिवीजन के SHO का फोन आया, शवाला चौंकी का आया, और भी बड़े सारे पुलिस वालों के फोन आने शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद मैं देखा कि लाइना च हरकत है, मेरी कोठी जी 215 शवाला कलोनी काफ़ी हाईलाइट हो चुकी है सुधीर कुमार सूरी जी के कतल तो बाद, क्योंकि मीडिया ने, तुसी लोगों ने भी खुद ही हाईलाइट की है, तो मैं बार बार प्रशासन को मांग करता रहा कि ये हाईलाइट है, यदि जरा अच्छे तरीके सुरक्षा कर लो, अदरवाइज प्रॉब्लम किसी भी टाइम हो जानी है। मैं देख रहा सी लाइना च दो बंदियां दी हरकत सी, मैं रामबाग पुलिस स्टेशन फोन किया, मैडम नाल गल की, जेडे उतों के इंचार्ज ने, कि दो बंदे लाइना च मैनू नज़र आ रहे हैं, उन्हें कहा फोर्स आ रही है। जब 5-7 मिनट फोर्स नहीं आई, तो मैं शवाला चौंकी नूं कीता, उन्हें कहा मैं आ रहा। थोड़ी देर बाद जो आए, मैं नीचे उतर गया, मैं देखा वो अंदर नूं आ रहे सी। मेरी उन्होंने गल हुई, मेरी पिस्टल जिहड़ी लाइसेंसी है मेरे कोल सी, मैं उन्होंने कहा लाइना च मैनू बंदे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कहा आओ देखते हैं, मैनू उन्होंने कहा मेरे नाल चलो, मैं कहा चलो। उन्हां कोल कोई हथियार नहीं सी। जदों मैं अपने निवास अपनी कोठी तो बाहर निकलिया, तो उत्थे खड़े हो गए गार्द वगैरह नाल, अपने फोर्स नाल गलबात करन वास्ते। उन्नी देर च मैं पार्क च पहुँच गया, पार्क चो जा के बिल्कुल रेलवे लाइना जितों करीब 20 फुट ते रह जांदियां, विच दीवार है, जंगल है, मैं उतों देखिया दो बंदे सी, दोनों ने खट्टे रंग के पटके बन्ने सी, एक ने खट्टी शर्ट पाई सी, एक ने नीली चमकीली शर्ट पाई सी, उन्हां दे हत्थ हथियार सी। हथियारों की ज़्यादा नॉलेज तो नहीं मैं रखता, तो उन्हां को हथियार सी। मैं एक काफ़ी डर गया, क्योंकि मैं पिछे देखा मेरे पिछे कोई पुलिस वाला नहीं सी। मैं एक फायर निकालिया, मेरे फायर निकालन तो बाद DSP साहब की गड्डी ने भी एंट्री ली साड़ी कलोनी च, उधरों पुलिस वाले भी भज्जे, क्योंकि मैं भड़का मारियाँ जोर जोर दी, ललकारिया उन्होंने कौन है कौन है। पुलिस वाले अंदर नूं भज्जे, जो पुलिस वाले अंदर आए है, पुलिस वाले अंदर आए हैं, तो उन्नी देर च मैं दूसरा फायर कढ़िया, उन्होंने भी एक फायर कर लाते, मेरी जिहड़ी पिस्टल है उहदी गोली जिहड़ी उह फस गई, यानी उन्हें काम करना बंद करता। मैं मौके पर DSP साहब सी, उन्होंने पकड़ाई, उन्होंने बाद च ठीक की। इतने नाका लाता पुलिस ने, 3-4 चलान किए, और
हैरानी की गल है कि विद इन 20 मिनट्स पुलिस इत्थों चली गई और जिहड़े मेरे दो गार्ड वाले सी एक सुत्ता रहा और एक जागदा रहा और मैं फिर कल्ला ही सारी रात अपनी रखवाली करता रहा देखता रहा अपने CCTV तो कि किस तरह की कोई हरकत ना हो या कुछ ना हो पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखो यह पुलिस का काम है मैं तो सवेर का थोड़ा जा तुम समझ सकते हो कि असी एक सुधीर कुमार सूरी जी ने पहले खोया उस तो बाद साढ़े वड्डे भाव जी की डैथ हो गई फैमिली 6 महीनों च 2 डैथ वेख के मैं नहीं समझता कि मेरा दिमाग बैलेंस हो पा रहा है अजे तक क्योंकि काफ़ी सदमे च और काफ़ी घबराहट च सारी रात निकली मैं सुता भी नहीं और सवेर के पुलिस वाले लगे मैनू नहीं पता उन्होंने की किया की नहीं किया इन्ना जरूर है कि बार बार मेरे को आ के सारी स्टोरी सुनी जा रही है की किया ए बारे शायद तुहानू कुछ पता हो मैनू कुछ नहीं। मेरी मंग की है जी देखो एक सुधीर कुमार सूरी जी पहले जा चुके हैं क्या सानू मरण वास्ते छड्या जाना मर जाइए तो यहाँ चंगा तो फिर पुलिस ही गोली मार देवे इको बारी साडा टब्बर भी रोलेगा बार बार रो के माता जी साडे ऑक्सीजन देने वड्डे भाव जी ऐसे सदमे च मर गए सुधीर कुमार सूरी जी पहले चले गए जे सारे परिवार को मरवाना ही है तो आन पुलिस वाले तो मारन गोलियां तो आप खत्म करिए स्यापा फिर की जरूरत है सानू गनमैन देन दी जे गनमैन ने गोली नहीं चलानी गार्ड ने साडे नाल नहीं चलना मैं पार्क च जा रहा कल्ला जा रहा शवाला चौंक च आज मनू कह रहा चलो मेरे नाल वह खाली हथ है मेरे हाथ च पिस्टल है मैं गोली चला रहा वह क्यों नहीं चलाते क्या उन्होंने गोली चलानी मन है जो सुधीर कुमार सूरी जी का कतल होंगे उन्होंने एक गनमैन साढ़े घर के सुधीर कुमार सूरी की वाइफ न कहता कि सानू गोली चलान का हुक्म नहीं बार बार पुलिस को मैं इस चीज़ बारे अवगत कराया लिखित शिकायत भी कीतिया ने आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होंगी मेरे को 5 गनमैन ने 4 गार्ड वाले ने 2 सवेरे आते हैं 2 रात आते हैं 5 गनमैन ने जिचो एक रेस्ट पर रहे तो 4 गनमैन मौके पर होंगे जी जी शिवाला चौंक इंचार्ज मौजूद सी। हाँ जी अच्छा कंप्लेंट मिली सी ब्रिजमोहन सूरी वालों कि राति इन्हों कोई धमकी भरे फोन आए हैं तो आप आगे इन्होंने स्टेटमेंट लीए तो आप कार्रवाई कर रहे हैं ब्रिजमोहन सूरी मेरी गलबात हुई है तो बाकी जी कार्रवाई